इधर ऐसे ऐसे आ जाओ मुड़। गुरुवर, कोतवाल, ये कौन है? पंडित रामाकृष्ण महाराज, ये रुक जाओ रुक जाओ, पालकी नीचे रखो मेरे बच्चों। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज, मैंने पंडित रामकृष्ण जी से दरबार के बाहर अनुरोध किया था कि दरबार के बाहर ही पालकी से उतर जाए, परंतु महाराज ये माने नहीं। पालकी अंदर लाने के लिए उन्होंने मुझे बाध्य किया। हमें भी महाराज बाध्य किया कि हम ये पंडित रामकृष्ण, क्या हो रहा है ये सब? क्षमा करें महाराज, किंतु ये मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय द्वारा गुरुवर और कोतवाल जी से पूछी गई पहेली का उत्तर है। जी महाराज, गुरुवर और कोतवाल जी ने अपने अथक परिश्रम से मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय द्वारा पूछी गई पहेली का हल ढूंढ लिया है। हमने? हाँ गुरुवर। कब? अभी। कहाँ? यहीं। कैसे? महाराज, गुरुवर हमारे राज्य के राजगुरु हैं, सदैव भक्ति भावना में लीन रहते हैं, है ना गुरुवर? वो तो है। आपको राजधर्म संबंधी विषयों पर सही सलाह भी देते हैं, है ना गुरुवर? वो भी है। और कोतवाल महोदय की मुस्तैदी से चोर उचक्के विजयनगर से कोसों दूर रहते हैं, है ना कोतवाल महोदय? हाँ महाराज, ये तो पूर्णतः सत्य है। जी, और दरबार में आई सभी चुनौतियों को पूर्ण करने का दायित्व मेरा होता है, इसलिए मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय द्वारा गुरुवर और कोतवाल जी से पूछी गई पहेली का हल मैं दूंगा। यदि नसीरुद्दीन महोदय मुझे आज्ञा दें तो देंगी देंगी, आज्ञा क्यों नहीं देंगी, अवश्य देंगी देंगी। पंडित रामकृष्ण, इजाजत है। धन्यवाद। तो आपके द्वारा पूछी गई पहेली का उत्तर है ये है? पालकी पालकी पालकी। आपकी पहेली का उत्तर है ये है। ये ग्रंथ। ग्रंथ? ये तो अनुवादित ग्रंथ है जिसका अनुवाद हमने किया है। इसमें उत्तर छुपा है और हमें पता ही नहीं। पंडित रामकृष्ण महाराज, आप जो कहना चाहते हैं सरल भाषा में कहिए। जी महाराज। महाराज, मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय द्वारा पूछी गई पहेली कि संसार की सबसे बड़ी वस्तु क्या है का उत्तर है विवशता। है विवशता। विवशता। विवशता? जी गुरुवर, जिसे मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय अपनी भाषा में गरज कहते हैं। महाराज, गरज अर्थात विवशता इतनी प्रबल इतनी विशाल होती है कि किसी भी मनुष्य से कुछ भी करवा सकती है। उदाहरण आपके समक्ष है महाराज। अब गुरुवर और कोतवाल महोदय की ये इच्छा थी कि मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय द्वारा पूछी गई पहेली का उत्तर मैं ढूंढूं। उनकी इस इच्छा ने उन्हें इतना विवश कर दिया कि गुरुवर मेरा ग्रंथ उठाकर और कोतवाल महोदय स्वयं मुझे पालकी पर उठाकर मेरे निवास स्थान से मुझे दरबार तक लेकर आए, ये जानते हुए कि आप दरबार में उपस्थित होंगे और यदि आप क्रोधित हो गए तो कड़ा दंड भी दे सकते हैं।
किंतु मेरे द्वारा विवश करने पर ये मुझे पालकी पर उठाकर दरबार के भीतर तक लेकर आए महाराज। अब आप ही बताएं महाराज, इस संसार में विवशता से बड़ी वस्तु और क्या हो सकती है? अद्भुत पंडित रामकृष्णा, अद्भुत। क्यों मुल्ला नसरुद्दीन महोदय जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हाँ पंडित रामकृष्ण, आपका जवाब एकदम दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब राजगुरु जी, अभी तो आप समझ गई होगी कि महाराज हर मुश्किल काम का हल ढूंढने के लिए पंडित रामकृष्ण को क्यों बोलती है। हाँ मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, क्योंकि ये कार्य पंडित रामकृष्ण का है। मैं तो महाराज जानती है भाई, इसके आगे बीन बजाने से क्या फायदे है? आपने कुछ कहा मुल्ला नसरुद्दीन महोदय? किसके आगे बीन बजाती? नहीं हम अकेले में बड़बड़ते रहती है, हम अकेला बड़बड़ती। बहुत खूब पंडित रामकृष्ण, बहुत खूब, आपने इन दोनों को बचा लिया। अब हम देखना चाहती आप खुद को बचाती कि नहीं। हमने आपसे एक पहेली पूछी थी, उसका तयशुदा वक्त खत्म हो गया है, हम पे भी इनायत कीजिए। कीजिए ना कीजिए। क्या हुआ रामा, सांप सूंघ गया क्या? उत्तर ज्ञात भी है या गुरुवर और कोतवाल की रक्षा करते करते स्वयं को मिली पहेली के विषय में भूल गया था? हम अपना पहेली फिर से दोहराती है। आपके शहर में है हमारा हमशक्ल, ढूंढो उसे लगाकर अपनी अकल। क्या बात है पंडित रामकृष्ण, अकल ने काम करना बंद कर दिया क्या? मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, आपकी नकल करने वाला वो नकलची हमशक्ल। ढूंढो 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 पंडित रामकृष्ण। मिल गया है। क्या बात करती पंडित रामकृष्ण, हमारा हमशक्ल मिल गई। अरे हमको जल्दी मिलाओ उससे, हम बहुत बेताब हो रही है उसको मिलने को। मिलाओ। अवश्य 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 महाराज, मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय की उनके नकलची हमशक्ल से भेंट करवाने के लिए मुझे 3 विशाल दर्पणों की आवश्यकता होगी। महामंत्री जी। जो आ गया महाराज। गुरुजी, ये पंडित रामकृष्ण दरबार में 3 दर्पण ले तो आए, किंतु इन दर्पण के साथ कर क्या रहे हैं ये? हमसे क्यों पूछ रहे, हमें ज्ञात नहीं, हम तो कुछ तो कर रहा है। ऐसे पकड़े रहना। हाँ पंडित रामकृष्ण, आप शायद भूल रही है, हमने कहा था हमारा आम शक्ल हमारा नकलची वास्तव में सच्ची में है। आप तो हमको हमारा अक्स दिखाती है, ये हमारे पहले का जवाब नहीं हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, वहां खड़े होकर प्रतीक्षा करें, मैं अभी आया। हम भी जाती। हाँ। महाराज, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं?
अंततः ये पंडित रामाकृष्णा करना क्या चाह रहे हैं? अभी ज्ञात हो जाएगा गुरुवर, कृपया धीरज रखें। हैं? अच्छा, इसे ऐसे ही पकड़े रहना। हाँ, नसीदीन महोदय कृपया पीछे देखिए। पीछे? हाँ। कृपया अपना दायां हाथ उठाइए। अब बायां उठाइए। अब अपनी जगह पर कूदिए। ये कूदी? ओहो, अरे ये तो आपकी नकल कर रहा है। तो मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, ये रहा आपका नकलची हमशक्ल, और ये वास्तव में है, आपका अक्स नहीं है। सूर्य की किरणें इसके जीवन और मृत्यु को निर्धारित करती हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा पंडित रामाकृष्णा, बहुत उम्दा। मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, जब आपके हमशक्ल को यह ज्ञात हुआ कि मैं इसे ढूंढ रहा हूं, तो यह कपटी छुप गया। मुझे अपने सारे महत्वपूर्ण कार्य मध्य में छोड़कर इसे ढूंढने जाना पड़ा। मैं इसकी धृष्टता के लिए इसे दंड देना चाहता हूं। महाराज, मुझे एक चाबुक प्रदान की जाए। चाबुक? अनुमति है पंडित रामकृष्णा। जो आज्ञा महाराज। क्या करती पंडित रामाकृष्णा, क्या करती है आप? पंडित रामाकृष्णा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, उसको सजा हम देगी, हम देगी। इधर गई, गायब हो गई, सामने आओ। पंडित रामाकृष्णा को तुम सताती है, छोड़ेगी? लगता हो सजा के नाम सुन के घबरा गई, भाग गई हो। चले।
ही सही मुझे। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। महाराज हमें तो पहले से ही ज्ञात था कि इस पहेली का उत्तर है परछाई। यदि पंडित रामकृष्ण उत्तर नहीं दे पाते तो हम मुल्ला नसरुद्दीन महोदय को दिए की रोशनी में इनकी परछाई दिखाकर उत्तर दे देते। हम तो बस संध्या होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्यों धनी मनी, हमने तुम्हें दिया बाती और तेल लाने के लिए कहा था या नहीं कहा था? कब कहा था? अच्छा भूल गए, भूल गए। कह रहे हैं भूल गए गधे कहीं के। वाह पंडित रामकृष्ण वाह, आपने ना केवल जनाबे राजगुरु और जनाबे कोतवाल का ओहदा बचाया बल्कि आपने हमारी पहेली को अमली जांबा पहनाकर ये साबित कर दिया कि आपकी अकलमंदी का कोई सानी नहीं है। वाह मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, सब माँ की कृपा है, मैं तो बस माध्यम मात्र हूँ। पंडित रामकृष्ण सत्य कह रहे हैं मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, हम सब तो बस ईश्वर की बनाई हुई कठपुतलियां हैं। करता धरता तो वो है, सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर ही सब कुछ है। जनाबे राजगुरु, हमने तो सुना था कि आपके तीन तीन ईश्वर है, आप ये तीनों में से किस ईश्वर की बात करती है? तीन ईश्वर हम कुछ समझे नहीं मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय। परंतु हम समझ गए महाराज। महाराज मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, पुराणों में वर्णित ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में जानना चाहते हैं। हम आपको बताते हैं मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, ब्रह्मा सृजन के, विष्णु पालन के और महेश संहार के कारक के। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाबे राजगुरु। ये तीनों ईश्वर तो बहुत महान है, बड़ा है, ये लोग कितना अहम काम करती है। एक बात पूछेगी जनाबे राजगुरु, क्या आप हमारी मुलाकात इन तीनों ईश्वर से करवा सकती है? हम मिलकर उनका एहतराम करना चाहती है इसलिए बोलती है। हाँ से गुरु जी, वो क्या है मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, हमारा सीधा संपर्क भगवान शिव से है। परंतु ये संपर्क स्थापित करने के लिए वर्षों का तप, कठिन यज्ञ और परम ज्ञान की आवश्यकता होती है जो आपके पास नहीं है। क्या बोलिए? हमारा कहने का तात्पर्य है इसमें आपको बहुत समय लग सकता है। पंडित रामकृष्ण, अब आप ये जो हमारी मदद कर सकती है, आप हमारी ये तीनों ईश्वर से मुलाकात करा दीजिए, हम आपका ये एहसान ता उम्र नहीं भूलेगी। हाँ पंडित रामकृष्ण, करवाइए 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 ना। अब पंडित रामकृष्ण, आपको हमें ब्रह्मा विष्णु महेश इनका दर्शन करानी होगी, भूलना मत, यही हमारा अगली पहेली है। ऐसी पहेली? और आपके पास कल तक का वक्त है, बस। केवल कल तक का बस?